इस वीडियो में मैं आपसे कंपेयर करने वाला हूँ हैरियर को टाटा सफारी से। ये दोनों ही अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, जबकि हैरियर 5 सीटर है और सफारी 7 सीटर है। लेकिन काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे कि भाई इस गाड़ी में कौन से फीचर्स ज़्यादा मिल जाता है सफारी में, तो वो हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं। डायमेंशन, प्राइस, फीचर्स, टर्निंग रेडियस, एवरीथिंग हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है लवे बेटा, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं हैरियर की लेंथ की बात करूँ तो 4598 mm है, जबकि सफारी की 4661 विथ 1706 1786 सफारी की, हैरियर की 1894 सफारी की 1894 और व्हील बेस दोनों के 2741 mm है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस के बारे में जो कि इन दोनों में है। तो डिफरेंस लेंथ की बात करूँ तो 63 mm ज़्यादा मिल जाती है सफारी में और 80 mm सफारी आपको बड़ी मिल जाती है। तो अगर आप देखें बाकी हाइट और व्हील बेस सेम है, इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं कि सफारी बड़ी है, ज़्यादा लंबी है। ये तो होना ही था क्योंकि सफारी 7 सीटर का है, तो ऑब्वियसली वो गाड़ी थोड़ी सी बड़ी होगी। ओके, सो अभी बात कर लेते हैं इसके सेकंड पॉइंट जो कि होने वाला है जो प्राइसेस। मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि हैरियर और सफारी में आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलने वाला है, पेट्रोल नहीं मिलेगा, सिर्फ डीजल मिलेगा मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में। मैं यहाँ पर माइलेज बता रहा हूँ, वो आपको मैनुअल में दिखाने वाला हूँ। तो इंजन की बात करूँ तो इसमें आपको 1956 cc का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो करीब 168 bhp की पावर जनरेट करता है, 3750 rpm पर, और 350 nm का टॉप जनरेट करता है 1750 rpm पर। माइलेज की बात करूँ तो हैरियर 14.63 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि सफारी में 14.8 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में काफ़ी अच्छा डिफरेंस तो सिर्फ माइलेज में है। डिफरेंस भी इसलिए है क्योंकि सफारी 7 सीटर है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ज़्यादा स्पेशियस सीट्स नकी गई है, जिसकी वजह से माइलेज थोड़ा कम मिलेगा। बात कर लें थर्ड पॉइंट जो कि है फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 50 लीटर्स की बूट स्पेस फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है हैरियर और सफारी में, तो वो तो आप लोग देख लिया। अभी बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में जो कि होने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस। तो अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो हैरियर और सफारी में दोनों में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, हैरियर और सफारी में कोई डिफरेंस नहीं है। बात कर ले फिफ्थ पॉइंट के बारे में जो कि होने वाला है कर्ब वेट। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ कि कर्ब वेट यानी गाड़ी का वजन। तो बात कर लेते हैं वजन के बारे में, तो हैरियर आपको 1719 kg और सफारी आपको 1825 kg। तो आप देख सकते हैं कि हैरियर सफारी से हल्की है, वो तो होना ही था क्योंकि सफारी 7 सीटर है, इसीलिए उसमें कुछ ज़्यादा सीटें डाली गई है, जिसकी वजह से ये तो होना ही था। बात कर ले सिक्स्थ पॉइंट के बारे में जो कि है स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। तो सबसे पहले हम हैरियर में मिलने वाली स्टैंडर्ड सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हैरियर में आपको डुअल एयरबैग्स, ABS with EBD, सीट बेल्ट, ट्विन टेंशनर्स विथ लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। अभी बात कर लेते हैं सफारी में मिलने वाले स्टैंडर्ड फीचर्स के बारे में। तो मेरा माने तो सफारी में भी आपको हैरियर वाली सेम स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बात कर ले टॉप वेरिएंट में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो हैरियर में आपको टॉप वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक और साइड लॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सफारी के टॉप वेरिएंट्स में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। तो सफारी के टॉप वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं सेवन्थ पॉइंट के बारे में जो कि है फीचर्स। तो आपको पहले मैं उन फीचर्स के बारे में आपसे बात करूँगा जो आपको हैरियर में मिल जाते हैं पर सफारी में नहीं, और फिर बाद में मैं उन फीचर्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ जो आपको सफारी में मिल जाते हैं पर हैरियर में नहीं मिल पाते। तो चलिए पहले उन फीचर्स के बारे में बात कर ले जो हैरियर में है पर सफारी में नहीं है, जैसे कि GPS नेविगेशन सिस्टम, रियर रीडिंग लैम्प और 1 टच डाउन इन ड्राइवर विंडो जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बात कर ले अभी सफारी में मिलने वाले फीचर्स के बारे में जो आपको हैरियर में नहीं मिल पाते। तो सफारी में आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, थर्ड रो AC वेंट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, आप कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी कुछ हद तक अपनी कार को फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो कप होल्डर्स, हैरियर में भी कप होल्डर्स है लेकिन वो फर्स्ट एंड सेकंड रो में है,
कूल्ड ग्लव बॉक्स और बोज मोड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बोज मोड का मतलब है यानी कि आप पीछे बैठे बैठे को ड्राइवर की सीट आगे पीछे कर सकते हैं। बात कर लें 8 पॉइंट के जो कि है बूट स्पेस, तो आपको हैरियर में 447 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, जबकि सफारी में आपको 425 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे फीचर्स सफारी प्रोवाइड कर रही है। बात करें 8 पॉइंट के बारे में जो कि है वारंटी ऑफर, तो हैरियर और सफारी में आपको 2 साल तक या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। दोनों में सेम वारंटी है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। अभी बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि है टेंथ पॉइंट प्राइजेस। तो प्राइजेस की बात करूँ तो इन दोनों ही गाड़ियों में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि हैरियर का ही 7 सीटर वर्जन को सफारी नाम देकर लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन देख लेते हैं कितने डिफरेंसेस हैं। तो मैं प्राइजेस अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये राजकोट इंडिया के ऑन रोड प्राइजेस हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हैरियर 16.13 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 23.34, जबकि सफारी 16.89 टू 24.43 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है ऑन रोड। बात कर लूँ अगर मैं डिफरेंस की तो सफारी आपको हैरियर से 76,000 से 1.9 लाख रुपीज़ महंगी मिलती है। अगर मैं टॉप एंड वेरियंट तक बात कर लूँ तो 76 के इसके आई कैन से बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में आपको 1.9 लाख रुपीज़ का डिफरेंस मिल जाता है। ये प्राइजेज कभी भी चेंज हो सकते हैं, इसलिए ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसे ही प्राइस आपके शहर में हो। एक बार प्राइजेज को चेकआउट मत कर सॉरी एक बार प्राइजेज को चेकआउट करना मत भूलना। आप अपने शहर पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे शहरों में प्राइजेज अलग अलग होते हैं। दैट्स वाई ये मेरे प्राइजेज मैंने आपको दिखा है मेरे जो सिटी में है। हालांकि मैं राजकोट में नहीं रहता, लेकिन फिर भी यहाँ के मैंने प्राइसेस आपको बता दिए है। तो सभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आपको सफारी खरीदनी चाहिए या फिर हैरियर। तो सिर्फ सिंपल पॉइंट है, अगर आपको 7 सीटर वाली कार चाहिए तो आप सफारी ले लीजिए, और 5 सीटर वाली कार चाहिए तो हैरियर। लेकिन अगर आपका बजट 20 लाख से ऊपर है तो आपको प्रीफर 7 सीटर ही करनी चाहिए, क्योंकि 5 सीटर मैं आप अपनी फैमिली लेकर नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी अगर आपको हैरियर में बहुत ही अच्छे फीचर्स चाहिए, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, 6 एयरबैग, तो आप हैरियर का टॉप वेरिएंट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 20 लाख रुपीज़ से ऊपर है तो आपको सफारी करना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी समझिएगा, क्योंकि सफारी में एक तो आप 7 सीटर मिल जाती है, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, और उसके वेरियंट्स के हिसाब से काफ़ी अच्छे उसमें फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर आपका बजट 20 लाख से डाउन है तो यू शुड हैव टू बाई हैरियर, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी है, फीचर्स काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू कैन बाई हैरियर। और अगर मैंने कहा 20+ है बजट तो यू कैन बाई सफारी। अगर मैं नहीं माने तो इन दोनों में से आपको सफारी को प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्पेशियस है वो और काफ़ी अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड कर रही है। तो बस यही था आज का वीडियो। अगले मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।